आप सेप्पी नेकल वास्तु शिरडी से। आज हम बात करने वाले हैं ओवरहेड वाटर टैंक और अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अंडरग्राउंड वाटर टैंक यानी जल तत्व। अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए कौन सी दिशा सही होती है और कौन सी दिशा गलत होती है? अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए नॉर्थ से लेके ईस्ट डायरेक्शन तक दिशा सही होती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा तो उसके बहुत ही अच्छे प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा तो हमें बहुत ही उसके बुरे प्रभाव से गुजरना पड़ सकता है। उसी तरह हमारे घर में ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ स्थित होनी चाहिए? हमारे घर में ओवरहेड वाटर टैंक साउथ से लेकर वेस्ट की डायरेक्शन तक बहुत ही अच्छी जगह होती है ओवरहेड वाटर टैंक स्थित करने के लिए। साउथ वेस्ट के जगह पर अगर हमारा ओवरहेड वाटर टैंक होगा तो उसका हमें बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर हमने नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ में हमने ओवरहेड वाटर टैंक को स्थित किया तो उसके हमें बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।